हेलो दोस्तों, राम राम सगला नहीं भाईडा ने। आज अपन गांव का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि मैं गांव आया हुआ था तो बहुत ही अच्छी फसल है इस बार। जिसके पहली बारिश में जुताई की थी उसके बहुत अच्छी फसल है, और जिसके बाद में की थी थोड़ी उसकी फसल हल्की है लेकिन अच्छी है। और एक बारिश अच्छी हो जाए ना अभी तो और भी अच्छा माहौल हो जाए और अच्छी बाजरा हो जाए। आपको दिखाते हैं किन किन दोस्तों और यारों के साथ जाते हैं, वो अभी तक निदान काट रहे हैं। मेरी बाजरी की बुआई सबसे पहले हुई थी जो पहली बारिश के अंदर, इसलिए इसमें निदान काट दिया गया है। बाकी वाले अभी भी काट रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये है बाजरा, इस बार फसल बढ़िया है लेकिन बारिश हो जाए ना तो ये फसल बढ़िया बनेगी। ये है घास वगैरह गायों भैंसों के लिए, और वो सामने दिख रही है वो हमारे बड़े भाई साहब का घर है। ये हमारी एक्टिवा खड़ी है, इधर हमारी गायें खड़ी है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, हमारे बड़े भाई साहब हैं उनके एक मकाम की तैयारी हो रही है, जिसे घर बनाना बोलते हैं। ये उसी घर के ऊपर खड़ा हूँ। ये चीना चढ़ाने का भी कार्य कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, आपको बताएंगे। ये देख लो गांवों के अंदर बसें, नेशनल हाईवे 68 के ऊपर ओवरलोड दौड़ती हुई, कोई रोक टोक नहीं प्रशासन की तरफ से। अभी ये हमारे गांव के अंदर आज भी जिंदा जागता सबूत है। ये एक दूसरे के आते हैं लोग हेल्प करने के लिए, ये लेबर नहीं लेते हैं, ये फ्री में काम करने वाले, मतलब एक दूसरे के जाते हैं जब भी काम पड़ते हैं, इसको लाइया बोलते हैं। इनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। ये मकान के ऊपर छत बनाने के लिए जोधपुर से पत्थर आते हैं, और ये पत्थर एक पत्थर के हिसाब से पैसे लगते हैं। ये अभी चाय पानी करेंगे यहाँ पर। ये सामने दिख रहा मकान, अभी यहाँ चाय पानी करेंगे, बाद में थोड़ी बहुत बच्ची सी उन्हें चढ़ा देंगे, और सत कंप्लीट होने पर खाना वाना खाएंगे और हताई वगैरह करेंगे सबके साथ में। बस घंटों दो घंटा सरसा करते हैं, खाना खाते हैं, फिर अब चाय का हो गया है। और ये है इधर कारीगरी बहुत अच्छी है हमारे इधर राजस्थान के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मकान बनाए जाते हैं। ये सत अच्छा